आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री मोदी का जापान दौरा, आज से क्वाड शिखर सम्मेलन में बाइडेन से अहम मुलाकात। आज से दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम की होगी शुरुआत। केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के रेट घटाए, पीएम मोदी बोले हमारे लिए जनता सबसे पहले है। मुंबई इंडियंस ने जीता 5 विकेट से मैच, दिल्ली कैपिटल्स प्लेऑफ में पहुंचने से चूकी। यूपी में मौसम को लेकर अलर्ट जारी, जानमाल को नुकसान पहुंचा रही है आंधी और बारिश। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश का विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। चलिए दिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुत्ता पालकों के लिए बड़ा आदेश जारी किया है। सीएम ने कुत्ता पालन करने वाले लोगों के लिए साफ सफाई को लेकर सख्त हिदायत दी है। सीएम योगी ने कहा, पालतू जानवर को बाहर ले जाते वक्त साफ सफाई का बेहद ध्यान रखें, रोड पर गंदगी करने पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निगम और विकास प्राधिकरण का ये काम है कि वो लोगों को जागरूक करे और उन्हें समझाए। अगर उसके बावजूद भी लोग पालतू कुत्ते को लेकर सड़क पर गंदगी करते हैं तो इसको तत्काल रोका जाए और उन्हें जागरूक करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हम ये भी सुनिश्चित करें कि तमाम लोग घर में भी अपना पालतू कुत्ता रखते हैं। हम सुनिश्चित करें कि वे साफ सफाई की व्यवस्था करके रखें और उन्हें सड़कों पर टहलाने के लिए ले जाकर के सड़कों पर गंदगी न पैदा करवाएं और आवश्यकता पड़ती तो उनका रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कराएं। उन पर निश्चित एक समय सीमा के अंदर उन्होंने उन्हें वैक्सीनेट किया है कि नहीं किया, ये भी सुनिश्चित करवाना। ये सभी चीजें हमें इसके साथ जोड़नी पड़ेगी। महंगे पेट्रोल डीजल से परेशान जनता के लिए एक अच्छी खबर है। मोदी सरकार ने उत्पाद शुल्क में बड़ी कटौती करने का फैसला किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुद ट्वीट करते हुए कहा कि प्रदेश की पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 8 रुपए की कटौती की जाएगी और डीजल पर 7 रुपए उत्पाद शुल्क घटाया जाएगा। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद अब पेट्रोल 9.5 रुपए सस्ता हो जाएगा, वही डीजल भी 7 रुपए सस्ता हो जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला रमन ने सभी राज्य सरकारों से अपील की है कि वो भी वैट में कटौती करें और जनता को राहत दे। आगे उन्होंने खास तौर पर उन राज्यों को दाम घटाने के लिए कहा है जिन्होंने नवंबर 2021 में वैट में कटौती नहीं की थी। यूपी के कन्नौज जिले के सौरिक थाने के एक गांव में 20 रुपए का लालच देकर युवक ने खेत में बच्ची से दुष्कर्म कर उसकी निर्मम हत्या करने की कोशिश की। वही पीड़ित परिजनों से मंत्री असीम अरुण ने मुलाकात की और परिजनों के साथ उनका दुख बांटा और हर संभव मदद का भी आश्वासन दिया। आपको बता दें कि पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया है। तो एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है जहां पर रेप के बाद हत्या का एक मामला कन्नौज से सामने आया है। बच्ची को 20 रुपए का लालच देकर एक युवक द्वारा बच्ची को खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को पहले अंजाम दिया गया, फिर उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। कन्नौज जिले में थाना स्वरूप क्षेत्र में बहुत दर्दनाक घटना घटित हुई है जिसमें कि एक बच्ची के साथ में बलात्कार और फिर हत्या की गई। अभी तक मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया जा चुका है, इसमें जेल भेजा जा चुका है, लेकिन जो परिवार से मेरी बातचीत हुई उससे आगे की कार्रवाई ये है कि और अभियुक्त कौन हो सकते हैं इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन जारी रखा जाए, जो अन्य अभियुक्त हैं उनको भी सजा दिलाई जाए और साथ साथ जिस प्रकार कई जनपदों में पॉक्सो के केस में चंद सप्ताह में या चंद महीने में सजा दिलाई गई है, उसी प्रकार मैं चाहूँगा सौरिक में भी इस प्रकरण में जल्द से जल्द सजा दिलाई जाए।
गाजियाबाद में पुलिस टीम लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे अपराधी जाहिद की तलाश में निकली थी। बदमाश स्कॉर्पियो गाड़ी पर सवार थे, जब पुलिस की टीम ने बदमाशों की स्कॉर्पियो कार के सामने अपनी गाड़ी लगाई और बदमाशों को पकड़ने के लिए उतर ही रहे थे, तभी बदमाश अपने स्कॉर्पियो लेकर वहां से फरार होने की कोशिश करने लगे। और वही बदमाश का पीछा करते समय पुलिस की गाड़ी का टायर फंस गया और बदमाश मौके से फरार हो गए। वही जानकारी के मुताबिक अपराधियों ने पुलिस कर्मियों को कुचलने की भी कोशिश की थी। वही अब इस पूरे मामले सामने आने के बाद जो गाजियाबाद की पुलिस है वो लगातार मीडिया से इस बारे में बातचीत करने से भी बचती हुई नजर आ रही है। बदायूं की नगर पंचायत वजीरगंज में एसडीएम ज्योति शर्मा, ईओ और तहसीलदार के नेतृत्व में हाईवे पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। वही सरकारी जमीन से पटरी दुकानदारों को टीन शेड के नीचे से हटाया गया और दोबारा अतिक्रमण नहीं करने की भी हिदायत दी गई। साथ ही आपको बताते चले कि योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में अवैध अतिक्रमण पर लगातार पूरे प्रदेश में कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में बदायूं में भी अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत की गई। साथ ही अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हुए जो पटरी के व्यापारी हैं उनको दोबारा अतिक्रमण नहीं करने की भी हिदायत प्रशासन द्वारा दी गई है। तो इस वक्त आप देख सकते हैं किस तरह बदायूं में अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत हो चुकी है और लगातार जो अवैध अतिक्रमण है उस पर कार्रवाई की जा रही है और प्रशासन का बुलडोजर चलता हुआ भी नजर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरह प्रशासन की कार्रवाई से जहां एक तरफ लोगों में हड़कंप मचा है तो वहीं लगातार प्रशासन द्वारा लोगों को भी ये हिदायत दी जा रही है कि वो अवैध अतिक्रमण पर दोबारा अपना कब्जा ना करें। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजन पाठक जुड़ चुके हैं। राजन पाठक, तकरीबन बदायूं में अब तक कितने ऐसे अभियान चलाए जा चुके हैं? मैं अभी तक हमारे बिजौली, वजीरगंज, फैजबान में सही 4 अतिक्रमण हटा दिए गए हैं, जहाँ पे शासन प्रशासन पूरी शक्ति से अतिक्रमण हटाने में लगा हुआ है। राजन, जब ये अभियान चलाया जा रहा था तो उस वक्त किसी तरह का हंगामा या कोई प्रदर्शन पुलिस को देखने को मिला? नहीं मैम, ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है। अतिक्रमण लोगों को आदेश दिया गया है, अतिक्रमण वो आदेश अनुसार हटाया जा रहा है। और आगामी दिनों में और किन किन जगहों पर अतिक्रमण अभियान चलाया जा सकता है बदायूं जनपद में? मैम, बताया जा रहा है कल के अलापुर नगर पंचायत में हटेगा, उसावा नगर पंचायत, उसैद नगर पंचायत पे भी अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए गए हैं। धन्यवाद राजन पाठक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी आपने सुना किस तरह बदायूं में अवैध अतिक्रमण पर लगातार प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है और आगामी दिनों में भी अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चलता हुआ बदायूं में भी नजर आएगा। यूपी में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। वही हरदोई में तालाब की भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाया गया। आपको बता दें कि एसडीएम सदर दीक्षा जैन के आदेश पर राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए करीब 1.5 बीघा जमीन खाली कराई है। साथ ही सदर तहसील क्षेत्र के खजुराहा में 8 लोगों के मकान पर भी बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। तो आप देख सकते हैं किस तरह हरदोई में भी अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया, जहां पर प्रशासन का बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जेसीबी की मदद से जो अवैध अतिक्रमण है उस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। तहसील सदर में खजुराहा ग्राम बरगना बंगर, तहसील सदर हरदोई में तालाब की गाटा 4302 को अतिक्रमण मुक्त कराया गया, जिस पर स्थायी अतिक्रमण था। यह अतिक्रमण, इस अतिक्रमण के खिलाफ तहसीलदार कोर्ट से धारा 67 में नियमानुसार आदेश पारित हुआ और इस आदेश को इम्प्लीमेंट करने के लिए मौके पर नायब तहसीलदार सुरभि और कानूनों की टीम को भेजा गया, जिसने मैं पुलिस बल और पुलिस के सहयोग के साथ तालाब की गाटा 1.5 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराया। बुलंदशहर के शिकारपुर क्षेत्र के गांव जखेता में पशु व्यापारी के साथ करीब 60 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। वह पीड़ित ने इस पूरे मामले की तहरीर शिकारपुर कोतवाली में देते हुए बताया कि वो अपने गांव से पैसे लेकर पशु खरीदने के लिए जा रहा था, तभी अचानक उसकी मोटरसाइकिल खराब हो गई। उस दौरान कुछ लोगों ने पीड़ित के साथ मारपीट करते हुए लूट की वारदात को अंजाम देकर घटनास्थल से फरार हो गए। ये सर की पिताजी हैं जी, पिताजी गए थे
भैंस देखने के लिए। अच्छा, हमारी दादी है, एक्स सर्विसमैन बाबा थे, उनकी पेंशन आ रही है जी दादी के नाम पर। परसों मैंने उसमें से 60,000 रुपये निकाले बैंक से, PNB बैंक गाँव जो खेता में जी। वहाँ से पैसे निकालने के बाद कल गए पिताजी, कल उन्हें नहीं मिली कहीं भैंस। आज सुबह जा रहे थे समथिंग 11 से 12 के बीच का टाइम हुआ, उस टाइम जाने के बाद बाइक में पिंचर हो जाता है गांव में ही जी। तो गांव बाहर ये पिंचर वालों की दुकान, वहां पे उन्होंने पिंचर लगवा रहे थे, तभी बराबर में ही हमारे गांव पे ये देसी शराब का ठेका। देश की रक्षा में प्राणों को आहूत करने वाले बलिदानियों की याद में 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया। वहीं इस मौके पर जिले की पुलिस ने सभी प्रकार के आतंकवाद और हिंसा का डटकर विरोध करने और मानव जाति के सभी वर्ग के बीच शांति, सामाजिक सद्भाव तथा सूझबूझ कायम करने के और विघटनकारी शक्तियों से लड़ने की शपथ दिलाई। इसी क्रम में इरवाकचरा थाना परिसर में सभी पुलिस कर्मियों ने शपथ ली। तो आप देख सकते हैं किस तरह आतंकवाद विरोधी दिवस मनाने के दौरान औरैया में पुलिस कर्मियों को शपथ दिलाई गई। मुरादाबाद में भाजपा नेता का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें जबरन गाड़ी को रोककर अज्ञात भीड़ ने नेता की जमकर पिटाई की है। आपको बता दें कि नेता एक शादी के कार्यक्रम से घर वापस लौट रहे थे, जब ही ये पूरी घटना हुई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं पुलिस ने मारपीट की घटना का संज्ञान लेते हुए पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और मामले में जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। दिनेश ठाकुर जो महामंत्री हैं किसान मोर्चा के, उनके द्वारा थाने पर आकर एक तहरीर दी गई है, जिस तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली में तत्काल अभियोग पंजीकृत करा लिया गया है। तहरीर के संबंध में जो तथ्य हैं, घटनास्थल के आसपास के CCTV फुटेज प्राप्त किए जा रहे हैं, दिनेश ठाकुर का तत्काल चिकित्सीय परीक्षण करा दिया गया है। इस अभियोग में जाँच प्रचलित है, जाँच के आधार पर जो भी तथ्य निकल के आएंगे उसके संबंध में तत्काल आवश्यक कार्रवाई की। मुरादाबाद जिला कार्यालय पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने यथास्थिति धर्मस्थल कानून को निरस्त करने के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से भारत सरकार के नाम का ज्ञापन सौंपा है और कहा है कि 1991 को धर्मस्थल को तुरंत निरस्त किया जाए, जिससे तोड़े गए सभी धार्मिक स्थल हिंदू समाज को प्राप्त हो सके और उनको भव्य रूप से बनाया जा सके। वो अपने सारे हिंदुस्तान के धार्मिक स्थल हैं जो 1947 में आज़ादी से पूर्व थे, उनकी स्थिति वैसी रहेगी केवल राम जन्मभूमि मंदिर को छोड़कर। हम प्रधानमंत्री से मांग करते हैं, क्योंकि हम सब ने मिलकर जब ये कानून 1991 में आया था तो उसमें संघ भी था, संघ परिवार भी था, भाजपा भी थी, हमने इस कानून का पुरजोर सारे हिंदुस्तान में विरोध किया था और आज उनकी सत्ता है तो हम उनसे डिमांड कर रहे हैं, मांग करते हैं कि इस कानून को निरस्त करो। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए Prime TV। आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस सरोकार।